है अपना पसंदीदा शो खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। सियासी एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी की लखनऊ के बाहर ये दूसरी बार अहम कैबिनेट बैठक हुई है। इसके पहले भी 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक के पहले योगी के सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई थी और उसके बाद मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसी तरीके से आज अयोध्या में भी बैठक के पहले मंत्री रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए और रामलला के दर्शन पूजन करने के ठीक बाद कैबिनेट में अयोध्या और अन्य तीर्थ क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उस बैठक में 14 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बड़ी बातें रही कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। तो देखिए, दीपोत्सव के महापर्व से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज अयोध्या में मौजूद थे। रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही अयोध्या के विकास पर एक बड़ी और गंभीर चर्चा हुई और इस दौरान तकरीबन 14 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर बड़ी और गंभीर चर्चा की गई है। और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक लखनऊ से बाहर आयोजित की गई थी। तब वो जगह थी संगम नगरी प्रयागराज, जहां 2019 में कुंभ मेले के दौरान सभी नेताओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके साथ ही देश की और प्रदेश की जनता को कई योजनाओं की सौगात दी थी। वहीं आज दीपोत्सव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक होती है और इस दौरान एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस वक्त पूरा अयोध्या राममय हो चुका है, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। वहीं मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों के बीच आज एक बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक भगवान राम की नगरी अयोध्या में आयोजित हुई है। देखिए, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 में आज ही का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में फैसला सुनाया था और आज 9 नवंबर है। आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रियों को साथ लेकर के रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां बैठक से पहले सीएम योगी के तमाम नेता रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। इसी के साथ ही प्रदेश की जनता को अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब बड़ी और अहम सौगात मिलेगी, क्योंकि 14 ऐसे प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की गई है और अटकलें हैं कि 14 ही प्रस्ताव को पास किया जाएगा। लेकिन देखिए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अक्सर लेकर कहा जाता है कि अयोध्या के मुद्दे को लेकर काफी सॉफ्ट बीजेपी रही है। ऐसे में क्या अयोध्या से ये जो संदेश देने का प्रयास किया गया है, इसके पीछे के सियासी मायने क्या है, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। और हिंदुत्व की राह पर निकली बीजेपी जिस तरीके से अब हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रही है, हर एक रैलियों में, सभाओं में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब बयानों के बीच विपक्षी दल आखिर क्या करेंगे, क्योंकि अगले साल तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के शिलान्यास में पहुंचेंगे, उसके ठीक बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो जिस मुद्दे को बीजेपी अभी से ही धार देती हुई नजर आ रही है, जब उसको जनता को सौंप दिया जाएगा तो आखिर विपक्ष के पास क्या एजेंडा होगा, किस रणनीति के तहत विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी या यूके के एनडीए के खिलाफ खड़े होंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की एक अहम और बड़ी कैबिनेट बैठक हुई है एक और यूपी की बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या में। ऐसे में इस बैठक के जरिए बीजेपी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, आखिर अयोध्या को ही क्यों कैबिनेट बैठक के लिए चुना गया और अब जिस तरीके से हिंदुत्व की राह पर बीजेपी और अग्रसर होकर और सक्रिय होकर निकल चुकी है, ऐसे में अब विपक्षी दल एकमुश्त होकर क्या करेंगे, अब ये सवाल बड़ा है। और आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए देवेंद्र मिश्रा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद, और वही विशाल यादव कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी से करते हुए, देवेंद्र जी देखिए, अमूमन देखा गया है कि जो कैबिनेट बैठक है वो लखनऊ में आयोजित होती है, ये दूसरी या तीसरी बार मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा हुआ है जब अयोध्या में यानी कि लखनऊ से बाहर किसी धार्मिक नगरी में निकलकर आपके तमाम नेता वहां कैबिनेट बैठक करते हुए नजर आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है इस कैबिनेट बैठक के जरिए देवेंद्र जी? सरकार का संदेश स्पष्ट है, इसके पूर्व अवगत कराते हैं, इसके पूर्व
आगाज में भी कई बार। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मेरी जानकारी के मुताबिक 2 से 3 बार, एक बार काशी में भी इस बैठक का आयोजन हुआ है और एक बार प्रयागराज में भी। लेकिन आज अयोध्या में जिस कैबिनेट बैठक आज जिस तरीके से अयोध्या में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, कैबिनेट बैठक का तो जो आप बता ना कि 28 नवंबर से जो 4 दिवसीय 1 दिसंबर तक जो सत्र आहूति जानी, उससे संबंधित बैठक के लिहाज कैबिनेट की बैठक आहूति है। अयोध्या के साथ साथ अन्य अनेक परियोजनाओं पर, विकास परियोजनाओं पर भी मुहर लगेगी और ये हम लोग के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, कि करीब 7 लाख करोड़ की परियोजनाओं का जो होने जा रहा है विकास का, और सरकार संजीदा, ये एक मैसेज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लखनऊ से बाहर की जा रही है, की जाती रही है, तो काशी और प्रयाग के प्रत्यक्ष अगर अयोध्या भी चूंकि धार्मिक नगरी अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वहां भी अगर ये किया जा रहा है तो इसमें कहीं कोई किसी को कोई चप्पा नहीं होना चाहिए। और ये वो लोग जो धार्मिक आधार पर बातें करते हैं उनके लिए भी संदेश है। हम उन मुद्दों के साथ जो चुनाव लड़ते आए हैं उन मुद्दों पे आज भी खड़े हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लोग कहते थे डेट कब बताएंगे, अब डेट भी बता दिया, लोग प्रतीक्षा करें, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है और उस में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका लोकार्पण होगा मंदिर का। और जो कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रत्यक्ष में निर्णय लिए जाने हैं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की। बिल्कुल ठीक है तारिक खान जी, साफ तौर पर अगर हम आज के दिन का महत्व समझे तो आज का दिन सियासी लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 2019 को आज ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था और आज भी 9 नवंबर है जब योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों को और तमाम नेताओं को लेकर राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है। अब देखिये बीजेपी ने कहा जाए तो बेंच मार्क सेट कर दिया है कि वो हिंदुत्व की राह पर लगातार चल रही है, अग्रसर है, इसकी काट क्या है आपके पास? बढ़िया तो दी नहीं, अब मीटिंग चाहे अयोध्या में करें और चाहे जहां ले जाकर करें, उनका अधिकार है, उनके पास विधायक है, उनकी सरकार है और ये इतना बड़ा कोई आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का है कि वो कैबिनेट मीटिंग प्रदेश के किसी कोने में जाके करें, चाहे जंगल में करें, अयोध्या में करें, लखनऊ में करें, बनारस में करें, इलाहाबाद में करें, मंत्रियों को बुला लिया वहीं पर मीटिंग हो गई, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आता। तो सरकार का अधिकार है ना, हम भी कर रहे हैं, हम भी कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं। और बेंचमार्क क्या तय हो रहा है, कौन सा बेंचमार्क तय हो रहा है अभी, जो वो वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं सहयोग कर रही है, अच्छी बात है कि विपक्ष ने उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा, अब उसमें इसपे इसको मुद्दा बनाने के मुझे कोई लगता ही नहीं। तारिक जी देखिए, मुद्दा तो बनना लाजमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे एक मिनट तारिक जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश रहे, छत्तीसगढ़ रहे, राम मंदिर पर मुखर होकर हर एक मंच से कहते हैं कि हमारे ही शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जस्ट है आडवाणी, जस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, जस्ट है रंजन गोगोई, जस्ट है उन्होंने आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर बन रहा है, मुसलमान पक्ष ने कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सर्वसम्मति से हम लोग मान लेंगे, उन लोग ने मान लिया, चुपके घर बैठे। अब इसमें कौन सा बहुत बड़ा वो हो गया कि हमने बना दिया तुमने बना दिया, ये तो विवाद 100 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुकदमा लड़ रहा था उसको भी आप लोग बेवजह मुद्दा बनाए, उसने कहा था कि जो कोर्ट ऑर्डर करेगा हम उसको मान लेंगे, कोर्ट ने कहा कि जमीन दे दी जाए मंदिर निर्माण हो जाए, तो उन लोगों ने मान लिया, कहीं कोई प्रोटेस्ट आप बताइए मुझको हुआ हो या किसी ने कहा हो कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे। हाँ, उसको चैलेंज करने का अधिकार संविधान देता है, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही तो संविधान ने एक्सरसाइज करने का मौका दिया था, तब गृह मंत्री हो गए थे, तमाम कदमों में बंद हो गए थे, तो उनको जो संविधान ने उनको जो ताकत दी थी उसी के तहत वो छूटे बाहर आए, तो इसीलिए संविधान सबको ताकत देता है, हमको देता है, पक्ष को देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको अधिकार है मुकदमे करने के। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि बिहार में नौकरियां थोक के भाव बट रही है, यहाँ कहाँ बट रही है,
बलिया, देवरिया, बनारस, यहाँ दिए जलाने का रिकॉर्ड बन रहा। रिकॉर्ड बनना चाहिए नौकरी देने का। कौन सा रिकॉर्ड आपने बनाया? एक महीने में कितनी सरकारी नौकरियां आपने जनरेट की, कितनी दी? आप नाटक बताएं कि हमने 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख नौकरी दे दी। सब झूठ है, सब झूठ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकायदा ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग रिमार्क, ठीक है मैं वापस आऊंगी, लेकिन अगर आप एक ओपनिंग रिमार्क विशाल यादव जी से भी लेते हैं। देखिए विशाल जी, देवेंद्र मिश्रा ही क्या, बीजेपी के हर एक नेता लगातार आप पर ये कहते हुए हमलावर होते हैं कि रामलला हम लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और बीजेपी के शासनकाल में रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और साथ ही साथ हमने तो तारीख भी बता दी है। और आज अगर हम मौजूदा तस्वीरों पर नजर डालें तो अगर एक एक चीजों को साथ में जोड़ा जाए तो बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट में एक बड़ा विस्तार होना है यूपी की, और 10 की वो तारीख बताई गई है जब कैबिनेट विस्तार होगा। 2 दिन बाद दीपोत्सव की भी जगमगाहट देखने को मिलेगी, लेकिन उससे ठीक पहले ये कैबिनेट बैठक है। कैसे देख रहे हैं आप इसको विशाल जी? सबको के लिए फैसला आया था 2019 में, और मैं समझता हूँ कि माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का यह देन है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम भक्तों को राम मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिलाया था। और जो सरकार कह रही कि हमारे शासन काल में हो, तो सरकार बताते क्या उनके आदेश से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है? ये किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ। और पहले भी हिंदू पक्ष के भाई, हमारे मुस्लिम पक्ष के भाई और हमारे सभी पक्ष के भाइयों ने कहा था कि जो फैसला आएगा सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सर्वमान्य हुआ। जो सरकार ये झूठ मूठ का हवाबाजी करेगी, राम मंदिर हमने बनवाया, ये ढकोसलाबाजी, आपकी सरकार तो 2014 में आ गई थी, आप उस समय से क्यों नहीं बनवा रहे थे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य। और दूसरी बात, आपने बोला यूपी कैबिनेट की बैठक। देखिए हर राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने राज्य के विकास के लिए कैबिनेट की बैठक करे, लेकिन यूपी सरकार कैबिनेट की बैठक, ये भी एक जुमला है। यूपी सरकार ने अब तक कई कैबिनेटों की बैठक की है, लेकिन आज तक उस कैबिनेट की बैठक का जो भी प्रस्ताव पारित हुआ वो आज तक लागू नहीं हुआ। मैं आपको कुछ उसके तथ्य बता देना चाहता हूँ। 13 सितंबर को यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 20,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहर निकाय क्षेत्र को मैं मल्टी नेशनल, मैं मल्टी कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाऊंगा, मतलब अच्छा सुंदर सौंदर्यीकरण करूंगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने 22 अगस्त फिर उन्होंने एक मीटिंग रखा कैबिनेट की, फिर उन्होंने एक बिल पास हुआ। बिल क्या पास था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाल विकास के पुष्टाधार के तहत गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को कुपोषण से पीड़ित का इसको निवारण किया जाएगा, लेकिन आज वो बिल उसी कागज की फाइल में दबकर रख गई है। तो ये जो यूपी सरकार जो ढंढोलाबाजी कर रही है, झूठ मुटका दीपोत्सव के समय ये सब ढंढोलाबाजी कर रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इनका जो यूपी कैबिनेट की बैठक, ये भी एक जुमला साबित होगा, और जो बिल और प्रस्ताव पारित होंगे वो चुपचाप कागज के तह में बैठा कर फाइल के अंदर रख दिया जाएगा, लेकिन काम एक भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, साफ तौर पर विशाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आपकी कैबिनेट बैठक होती है ये जुमला होती है, ये लॉलीपॉप होती है, जहां आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं दिखता है। जी देवेंद्र जी, अपने विपक्ष धर्म का पालन करें, अब उनके आरोप का मैं जवाब क्या दूं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की जो इबारत लिख रही है वो पढ़ना इनको नहीं। चारों तरफ विकास के गंगा बहे उत्तर प्रदेश में, किसी भी कोने में आप उठा दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, चौहत, विकास ही विकास चल रहा है। और ये कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। अभी अगर ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो उनका उनके बारे में विचार टिप्पणी, प्रदेश की जनता देख रही है। अभी इन्होंने रोजगार किया, आज ही दैनिक जागरण में निकला था, पढ़ने तो तर्कपूर्ण बात करें। अब मैं बता रहा हूं, 6 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई सरकार, 1,30,000 से अधिक महिलाओं को नौकरी दी गई, 1,65,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, 58,000 महिलाएं बीसी
सखी के रूप में समायोजित हुई हैं। 3,75,000 से अधिक युवाओं को संविदा के आधार पर नौकरी दी गई। ये आज की डेट अब और लिखा पढ़ी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनको नहीं दिख रहा, ये तो मैं जो रोजगार की बात करते कहते सरकार रोजगार नहीं दे रही, ये मैं प्रमाणिकता के साथ बात कर रहा हूँ। न पढ़े तो जागरण पेपर देख लें, तथ्यात्मक बात है। प्रदेश में चारों ओर देखिये मूल विषय ये है, ये समाजवादी पार्टी सत्ता से विमुख होते ही सच पता नहीं। ये आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इतिहास को तोड़ते हुए दोबारा लगातार सरकार बनाई अपने दम पे, योगी जी के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी जी के कार्यों को आम जनता पर पसंद कर रही है। इनके पास जमीन नहीं है, खड़े होने की बात क्या करेंगे। ये अपने मिशन में कामयाब होने के लिए व्याकुल है, हम अपने मिशन को कामयाब करने के प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और ये विपक्ष में है तो इनका धर्म है ये विरोध करे, लेकिन सही बात पर हमारा समर्थन करे, आरोप प्रत्यारोप से बचते। ठीक है, आप पर ये भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विशाल यादव जी कि कम से कम आप बीजेपी के सही चीजों का तो समर्थन करिए। वो अपने आंकड़े बता रहे हैं, हमने इतने रोजगार दिए, इतनी सड़कें बताई, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि यूपी सरकार रोजगार दे रही, लेकिन आपको बता दें दो दिन चार दिन पहले बिहार में रोजगार मेला लगाकर 1,20,000 अभ्यर्थियों को रोजगार बांटा गया, जिसमें कई यूपी के थे। अगर यूपी में रोजगार मिलता तो वो बिहार नहीं आते, पहली बात तो इनके ये जवाब हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा स्वास्थ्य और जल सब में काम कर रही है। इनके सरकार में ही जल निगम बोर्ड के, यूपी जल निगम बोर्ड में सिविल इंजीनियर को 93,000 ग्रेड के थे, लेकिन आज उन लोगों को कहां गया कोई अता पता नहीं चल। इनकी सरकार में ही कल महिला पुलिसों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्यों पीटा गया? मानदेय बढ़ाने का। अगर इनकी सरकार नौकरियां देती तो यूपी के साथी, यूपी के भाई बहन, यूपी के दोस्त बिहार में नौकरी नहीं करने आते। ठीक है, बिहार का दिल तो बड़ा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी राज्यों को नौकरी दिया, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य को नहीं दे पा रहे, वो दूसरे राज्य क्या परिकल्पना करेगा। विशाल जी ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री का दिल बड़ा था, लेकिन फिलहाल हम यूपी पे रहते हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। देखिए तारिक जी, आपने कहा कि इस कैबिनेट बैठक को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन देखिए सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि कैबिनेट बैठक हर बार आयोजित होती है, लेकिन पहली बार इसका आयोजन अयोध्या में हो रहा है ठीक दीपोत्सव से पहले, और इस बार दीपोत्सव में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है, और 2024 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, और उससे भी एक बार फिर से ठीक पहले ये कैबिनेट बैठक पहली बार अयोध्या में हो रही है। तारिक जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से डबल है, आप उनके बराबर नौकरी देंगे कि ज्यादा देंगे? आप बताइए, ज्यादा देंगे ना कि बराबर देंगे? बताइए विशाल जी, ज्यादा की मेरे मुताबिक तो ज्यादा। हाँ मैं ही बता रहा हूँ, उनको डलाइए वरना वही बोलने लगेंगे भाजपाई वाले, ज्यादा है। अब आप अपना कंपैरिजन, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, अपना कंपैरिजन जो शिक्षा मित्र बेचारे संविदा पे काम कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए की से नौकरी कर रहे हैं, 6 साल से रो रहे हैं वो बेचारे, आत्महत्या कर चुके 10-15। मैं कई डिबेट कर चुका कि हमारी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दो, उनका तो आप सूद लेते नई नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 3,000 नौकरियां जब देते हैं तो ऐसे ही सर्टिफिकेट बांटने में बिहार का मुख्यमंत्री शर्म आती है हम लोग। और उसके बाद मुद्दा, अरे कब तक धर्म की पिच पर बैटिंग करेंगे? इतने दो सीट से पहुंच तो गए सत्ता पर, अब थोड़ा काम भी कर लीजिए। जितना रन बनाया है वो रथ यात्रा के द्वारा ही बना है, हम तो खुद मानते हैं इस बात को, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाया मोदी और योगी ने। ठीक है, बहुत सत्ता भी पा ली, अब थोड़ा काम करिए। नौकरी आपने कहा था कि दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगी, चली जाइए आप लखनऊ के आसपास की गलियां ढूंढ लीजिए, हो गई, गड्ढा मुक्त हो गया सब। ऐसे ही बता दीजिए कि अगली बार 21 लाख दीप जला दिए, गरीबों के घर में जल गए दीप, उन शिक्षा मित्रों के घर में भी जल गए दीप,
और ये पैसा जो वहां दीप जला के खर्चा किया जा रहा है, ये रामराज नहीं बताया था। इसकी डिफिनेशन कायदे से समझ लीजिएगा, किसी बुला के किसी पुरोहित पुरोहित को ज्ञानी आदमी, ये डेफिनेशन नहीं थी कि दिया जला दो, इससे भगवान राम भी नहीं खुश होंगे। मैं जहां तक समझता, बेहतर था कि उन गरीबों के घर में दिया जलता, राशन जहां पहुंचा रहे हैं आप वो तो पहुंचा देते, इतना पैसा खर्चा वहां करने की क्या जरूरत। अब मीटिंग करना, देखिए प्रदेश के किसी भी कोने में अधिकार है और अपोजिशन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप विकास काम सरकार नहीं करेगी तो क्या करेगी, बैठ के चेस खेलेगी गवर्नमेंट, आपस में बैठ के मंत्री लोग चेस खेलेंगे, लूडो खेलेंगे। अरे विकास की काम तो करेंगे अपने अपने मंत्रालय का, वो कर रहे हैं अयोध्या में डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या अपोजिशन ने उस पर सवाल उठाया नहीं उठाया है। अपोजिशन के मुद्दे है, नौकरियां आपने उतनी अनुपात में देनी चाहिए जितनी जनसंख्या है, उतना टाइम आपको बीत चुका है जो आप चिल्ला, और जो परेशान लोग हैं उनकी आप सुन नहीं ले रहे हैं, शिक्षा मित्र की आप सुन नहीं ले रहे हैं, 69,000 भटी वाले रो रहे हैं, परसों उनको भाजपा कार्यालय के सामने लाठियों से मारा, 400 की बच्चियां रो रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उनकी बातें तो सुनने वाला कोई हो। ठीक है देवेंद्र जी, तारिक जी कह रहे हैं कि कब तक आप धर्म को मुद्दा बनाएंगे, कब तक आखिर आप लोग धार्मिक पिच पर बैटिंग करते हुए चौके छक्के मारेंगे, ये जो धार्मिक सियासत है ये कब तक चलेगी बीजेपी की। पहली बात तो स्पष्ट हो जाए, ये हिंदुस्तान है और ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी, मैं उनको भी जोड़ता हूँ क्योंकि सभी धर्मों का आदर है, और भारतीय जनता पार्टी की ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको धार्मिक और वर्ग के आधार पर उपेक्षित कर निकालो, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के बस का। अभी तारिक भाई ने कही, मैं सत्सम्मान को बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा दिए जलते हैं उसमें खर्चा आता है, ये जो इनके सरकार में सफाई महोत्सव हुआ करता उसको क्या कहा जाए, उसके खर्चे को क्या इन्होंने कहीं और गरीबों में और लोगों को सृजन में कहीं खर्चा किया क्या, उसका ग्राम नहीं इनके पास। धर्म की बात देखिए, जो भी पर्व होते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सबको पूरी छूट है। सब धर्म हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बड़े उत्साह से सब लोग मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, यहाँ की सदियों की परंपरा ये, इसको इस रूप में देखे तो हम कोई त्योहार ही ना मनाए, हम विकास कार्य ही ना करें, हम सड़कों का नदियों का जो भी हमारी योजना है, अभी तो रोजगार की जो बात कर रहे हैं ये तो अभी नमूना है। अभी आप देखिए, अभी एक योगी जी की सरकार के साथ अभी 3.5 साल बाकी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप केवल अपना अस्तित्व बचाने की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी हम प्रदेश की जनता के लिए जितने भी हर संभव प्रयास है उनके विकास का, उनके उत्थान का, उनके उन्नयन का, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसके लिए कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश दोनों सरकार। विशाल जी अस्तित्व बचाइए, सीधे तौर पर देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आप अपने अस्तित्व की सोचिए, यूपी हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है हमें यूपी की जनता का विकास कैसे करना है, क्यों नहीं छोड़ देते हैं भाई फिर आप लोग उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने देवेंद्र विशाल जी ने कहा अपने अस्तित्व बचाने के लिए, उनको मैं पुराना 2-3 रिकॉर्ड सुना देना चाहता हूँ, पुराना रिकॉर्ड 2-3 रिकॉर्ड सुनेंगे तो उनका दिमाग हैंग कर जाएगा। देखिए अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ और कर्नाटका में किसको जनता ने तमाचा मारकर भगाया वो देवेंद्र मिश्रा जी को बताना चाहिए। उसके बाद मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपकी बातों को सुन रहा था, आप मेरी बातों को सुन रहे। फिर देवेंद्र मिश्रा जी को बताना चाहूंगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को गले से लगाया और भाजपा को वहां से भगाया, तो भारतीय जनता को बताना चाहिए आज के अस्तित्व किसके खतरे में है। 5 राज्यों में चुनाव है, आपने एक राज्य में चोरी की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, वो सरकार तो जाएगी ही जाएगी, और बाकी जो 4 राज्य में चुनाव है वहां तो कांग्रेस जीत ही रही है, तो आप अपने अस्तित्व की बात कीजिए ना भाई। कर्नाटक की जनता ने आपको भगाया, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको भगाया, और 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता आपको देश से भगाने का काम करेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो देखिए कैबिनेट बैठक से धार्मिक एजेंडे को धार देने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी ने की है, कैबिनेट का विस्तार
भी होने की उम्मीदें हैं और अटकलें हैं कि 10 या 11 की वो तारीख होगी जब योगी मंत्रिमंडल का एक विस्तार किया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अयोध्या में सियासी एजेंडे को जो धार्मिक मुद्दों से जोड़कर धार देने की कोशिश की गई है, अब ये विपक्ष की टेंशन बढ़ा रही है। अब अयोध्या से क्या संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है ये तो जग जाहिर है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता मुखर होकर सनातन के पक्ष में भी बोलते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ भी नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व के पथ पर बीजेपी अग्रसर है, वो समाजवादी पार्टी को टेंशन देने लगी है। अब इस टेंशन का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास तोड़ क्या होगा, ये तो उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग पर डिजर्व करता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी हिंदुत्व के पथ पर अग्रसर है, ऐसे में इसकी कार्ड सपा और कांग्रेस के पास क्या होगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। खबर दोपहर में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।